राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप भजन लाल शर्मा को आप सुन रहे थे और अब ये गाड़ियों का काफिला देखिए राजभवन जाते हुए। भजन लाल शर्मा जा रहे राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए और जाहिर सी बात है नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया इस बात की औपचारिक तौर पर वो जानकारी देंगे। विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपेंगे। ये तस्वीर देखिए गाड़ियों का काफिला। सत्ता की धुरी बदल चुकी है राजस्थान में। बीजेपी ने जीत हासिल की जो ट्रेंड 3 दशकों का था वो बरकरार रखा, लेकिन एक ट्रेंड बदल गया और वो ये ट्रेंड बदल गया कि वसुंधरा राजे राजस्थान में सरकार का चेहरा होंगी। ये ट्रेंड बदल गया। खुद वसुंधरा राजे को प्रस्ताव उन्होंने सामने रखा विधायकों के सामने और प्रस्ताव ये रखा कि भजन लाल शर्मा विधायक दल के नेता चुने जाए। भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया, 2 डिप्टी CM। और अब ये तस्वीर देखिए गाड़ियों का काफिला राजभवन के अंदर दाखिल होते हुए।